तो महायुद्ध के विकराल होने के पीछे सबसे बड़ी वजह और जो संकेत निकल रहे हैं वो ये है कि जिस जंग में आप देखिए कुछ ही महीनों में खत्म होने का दावा किया जा रहा था वो अब नाटो और साथी देशों की मदद के बाद बहुत ज्यादा घातक होने लगा है। और आपको बता दें कि मॉस्को में पुतिन से मिले जिनपिंग, उन्हें वो दोस्त कह रहे हैं, तो किशिदा ने यूक्रेन के लिए नया बारूदी टेंडर ही पास कर दिया है। जिस वक्त जापानी पीएम किशिदा भारत में पीएम मोदी के साथ बैठक कर रहे थे, ठीक उस वक्त पुतिन और जिनपिंग युद्ध नीति पर चर्चा कर रहे थे। भारत से किशिदा की फ्लाइट डायरेक्ट यूरोप में लैंड हुई और यूक्रेन में किशिदा के सरप्राइज विजिट ने जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात को फीका कर दिया। मॉस्को में पुतिन और जिनपिंग मिले, कीव में किशिदा और जेलेंस्की मिले। किशिदा सबसे पहले स्टेट प्लेन से पोलैंड पहुंचे, यहां से वो ट्रेन के जरिए यूक्रेन पहुंचे। फुमियो किशिदा ने कीव के पास बुचा शहर का दौरा किया जो इस वक्त रूसी सेना के हमले का दंश झेल रहा है। यूक्रेनी सेना ने यहां रूसी सेना पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। किशिदा ने यहां शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, फिर कीव जेलेंस्की से मिलने के लिए पहुंचे। किशिदा ने जेलेंस्की को बेहिचक समर्थन का भरोसा दिया और पुनर्निर्माण के लिए करीब 3,884 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है, जिनसे एनर्जी सेक्टर और इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट पर काम होगा। वहीं रूस की तरफ से आए दिन परमाणु हमले की धमकी पर भी किशिदा ने निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी का भी जिक्र किया। किशिदा से मुलाकात के दौरान जेलेंस्की ने जापान को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति बनाए रखने के लिए एक पावरफुल डिफेंडर बताया और किशिदा की भारत से सीधे बिना इख्तिला कीव आने को उनकी दोस्ती का प्रतीक बताया। Предметно зупинилися на залученні Японії у відбудові України. Ми маємо величезні можливості для такої нашої співпраці завдяки потужному технологічному потенціалу Японії і завдяки сильному пакету допомоги, який, до речі, з 24 лютого минулого року сягнув більше 7 мільярдів. Japan ne NATO Trust Fund se Ukraine ko gair ghatak hathiyar kharidne ke liye $30 million yani kareeb 248 crore rupaye dene ki ghoshna ki hai. महायुद्ध की शुरुआत से ही जापान यूक्रेन की लगातार मदद कर रहा है। अब तक करीब $7 अरब की मदद यूक्रेन भेजी जा चुकी है, साथ ही यूक्रेन से आए शरणार्थियों को भी जापान में शरण दी जा रही है।